हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा मठरी, तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। पिज़्ज़ा मठरी बनाने के लिए हमने 150 ग्राम मैदा लिया है। आप इसकी जगह 150 ग्राम गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, तो हमने 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। साथ ही में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ओरेगेनो। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में इसमें चीज़ ऐड करेंगे, तो हमने 2 चीज़ क्यूब्स लिए हैं। इसे हम ग्रेट करके ऐड करेंगे। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका आटा लगाने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका हमें सख्त आटा लगाना है। आटे को हम ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे। तो हमने मठरी के लिए आटा गूंथ कर तैयार कर लिया। इस आटे को गूंथने के लिए हमने 1 कप पानी लिया था, लेकिन हमने सिर्फ 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब 1 मिनट तक इस आटे को हम हाथों की मदद से मसलते रहेंगे। अब हमने मठरी के लिए जो आटा गूंथ कर रखा है, उसमें से हमने इस साइज़ की लोई बना ली। इसकी हमें बिल्कुल पतली रोटी बेलकर तैयार करनी है। रोटी बेलने के लिए आप रोलिंग सरफेस पर थोड़ा सा तेल भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से जब हम इसकी रोटी बेल रहे हो, तो बाकी का जो आटा है उसे हम कपड़े से कवर करके रखेंगे, ताकि आटा जो है वो सूख ना जाए। अब हम इसे पिज़्ज़ा कटर से ट्रायंगल में कट करेंगे। इसे इस तरह से कट करने के लिए आप किसी शार्प नाइफ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप में मठरी कट कर ली। अब हम इन सारी मठरी को फोक की मदद से अच्छे से प्रिक कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि फ्राई करते वक्त मठरी बिल्कुल भी फूलेगी नहीं और बिल्कुल क्रिस्पी मठरी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमने आटे में से सारी मठरियाँ बनाकर तैयार कर ली और इनको हमने फोक से प्रिक कर लिया है। मठरी को फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है। एक एक करके इसमें मठरी ऐड करते जाएंगे। मठरी को फ्राई करते वक्त हम गैस की फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे उलट पुलट करके दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से जब मठरी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो जाएगी, तब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे और बाकी की बची हुई मठरी को भी हम इसी तरह तेल में लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। पिज़्ज़ा मठरी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल करेंगे। साथ ही में हमारी पिज़्ज़ा मठरी बनकर तैयार है। इसे आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।